लोग हमारे पास में आते हैं कि मैंने टाडालाफिल लेना चाहिए कि सिल्डेनाफिल लेना चाहिए, कौन सी अच्छी है, फिर किससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स है, आदि सारे सवाल लेके लोग आते हैं। तो चलो इसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। टाडालाफिल जो है और सिल्डेनाफिल दोनों भी PDE5 इनहिबिटर्स है। दोनों का काम एक ही है कि पेनिस में मतलब लिंग में ब्लड फ्लो बढ़ाना, जो खून की नलियां हैं ब्लड वेसल जो है वो बड़ी करना, फुलाना, ताकि खून अंदर जा सके। और खून अंदर जाता है 100 से 125 ml या 150 ml जितना भी जाएगा, तो वो यदि खून अंदर जाता है लिंग में तो लिंग फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। तो दोनों का कार्य सही का ही है। टाडालाफिल जो है वो 2.5 mg से लेके 20 mg तक अलग अलग मात्रा में आती है, अलग अलग टैबलेट से। टाडालाफिल सिल्डेनाफिल दोनों भी हम 1 से 2 घंटा पहले ले सकते हैं और उससे फायदा होता है। पानी के साथ में ले सकते हैं, भूखे पेट लेना चाहिए ताकि उसका असर जल्दी हो जाता है। अभी अल्कोहल यदि आपने लिया हुआ है या आपको और कोई दवाई चालू है तो डेफिनेटली टाडालाफिल का या सिल्डेनाफिल का असर कम होगा। टाडालाफिल से सरदर्द और बॉडी एक कम होते हैं, सिल्डेनाफिल से ज़्यादा होते हैं, ऐसा एक जनरल स्टडीज में पाया गया है। सिल्डेनाफिल जो है मतलब वायग्रा, वो 50 mg 100 mg की ज़्यादातर मात्रा में आती है, 50 और 100। कुछ कंपनीज 25 mg की बनाती है और अक्सर लोगों को 100 mg तक फायदा हो जाता है। कुछ कुछ ऐसे लोग हैं कि वो 200-200 mg लेने वाले मेरे पास में आते हैं कि मैंने 200-200 mg में लेता हूँ और तभी मुझे इरेक्शन आता है। सिल्डेनाफिल का इफेक्ट जो है 5 से 6 घंटे चलता है और टाडालाफिल का इफेक्ट जो है वो 8 से 36 घंटे तक चलता है, 36 आवर्स। इसलिए उसको वीकेंड पिल भी कहा जाता है, टाडालाफिल को। वीकेंड पिल मतलब ऐसा है कि आप शुक्रवार को रात को लेते हैं तो आपको शनिवार और रविवार दोनों दिन आप एंजॉय कर सकते हैं एक ही गोली से। मतलब कुछ लोग हमारे पास में ऐसे आते हैं कि जो बोलते हैं नहीं मुझे ना इरेक्शन ही नहीं आता है, शादी होने की बाकी है, मुझे लगता है कि मेरे लिंग में कोई जान ही नहीं है, हरदम सोया हुआ रहता है। तो हम उनको क्या करते हैं कि उनको 2.5 mg की टाडालाफिल लेते हैं, तो भाई सवेरे शाम एक एक गोली ले लो। अभी आज ही एक पेशेंट आया था, उनका कहना था कि मुझे मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आता है, सुबह सुबह उठता हूँ तो मेरे को कभी इरेक्शन मॉर्निंग में आया ही नहीं। मतलब ठीक है, बाकी आता है क्या? बोले बाकी आता है, मगर वो पजेस्ट है कि मुझे मॉर्निंग इरेक्शन आना चाहिए और दिन में भी स्पॉन्टेनियस आना चाहिए। तो ऐसे जो डिमांड करते हैं उनके लिए टाडालाफिल 2.5 mg हम 2 बार लेने के लिए बोलते हैं। अब ये दवाइयों से बॉडी एक्स होना मतलब बदन में दर्द होना, सर दर्द होना, एसिडिटी होना, ये भी होता है। तो उसके साथ साथ ये हम पैरासीटामॉल देते हैं या एंटासिड देते हैं तो डेफिनेटली ये साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाएंगे। हाँ, यदि आपको हार्ट के लिए नाइट्रेट्स चालू है और कोई गोली चालू है दिल के लिए तो डेफिनेटली सिल्डेनाफिल अवॉइड करना चाहिए। आपको आँख का प्रॉब्लम है तो सिल्डेनाफिल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आँख के ऊपर भी उसका बुरा असर होता है। सिल्डेनाफिल टाडालाफिल गोली लेने के बाद में आपने वो सेक्स करने के स्पेस में रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपने गोली खा लिया फिर टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, घूम के आ रहे हैं ना। मुझे आज ही एक व्यक्ति बोले कि हाँ मैं क्या करते रहता हूँ कि शाम को 6 बजे निकल जाता हूँ ऑफिस से तो फिर गोली ले लेता हूँ ताकि उसका असर 2-3 घंटे में आ जाएगा, फिर रात को जाऊँगा। तो मतलब ऐसा नहीं चलता है, गोली लेने के बाद में उसका असर 1 घंटे में 1.5 घंटे में आ सकता है और आपने वो स्पेस में रहना है, मतलब सेक्स करने के मूड में रहना है, उसके बारे में देखना है, चर्चा करना है, पढ़ना है, वाइफ के साथ में रहना है, घर में रहना है, ताकि वो विचार आपके आए। क्योंकि सिल्डेनाफिल का मतलब वायग्रा का फायदा या टाडालाफिल का फायदा होने के लिए पहले सेक्सुअल थॉट्स आना जरूरी है, सेक्सुअल डिज़ायर निर्माण होना जरूरी है। और जब वो डिज़ायर थॉट्स निर्माण होते हैं तो वो पीछे इम्पल्सेस भेजेंगे, नर्व इम्पल्सेस, और फिर उसका असर लिंग पे होकर वो जो खून की नलियाँ वो मोटी हो जाएगी। तो यही नहीं है तो नीचे कुछ नहीं होगा, गोली लेके कुछ फायदा नहीं है। तो जब आप गोली लेते हो तो गोली हरदम लेने के बाद में बाकी कुछ करना नहीं है, बाकी कोई पढ़ाई करना, मूवी देखना, कोई बिजनेस का काम कुछ नहीं करना, नथिंग, सिर्फ वही स्पेस में रहना जरूरी है। अभी सिल्डेनाफिल टाडालाफिल की माउथ डिजॉल्विंग फिल्म भी आती है, पतले सर फिल्म रहती है, फिल्म लाइक जबान के नीचे रखो तुरंत वो जीभ के नीचे वो एब्सॉर्ब हो जाती है और उसका असर तुरंत 30 मिनट में आ जाता है। 30% लोगों को इसका असर ही नहीं होता है। अब जब असर नहीं होता है तो हमको फिर अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा, क्या चालू है, तो क्या प्रॉब्लम है, तो क्योंकि फिर प्रॉब्लम है रिलेशनशिप इशू है, दोनों के आपस में पट्टी नहीं है, सेल्फ एस्टीम लो है, बहुत स्ट्रेस है, टेंशन है, बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ मलाइटस, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत हाई है, कोई नर्व डैमेज है क्या,
बाकी काफ़ी सारी चीज़ें देखना पड़ेगा, क्योंकि वो है और फिर आप ले रहे गोली तो प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई गोली का असर ही नहीं हुआ। अब गोली का भी असर नहीं हुआ तो हम इंजेक्शन पेपेवरिन देते हैं जो लिंग में डायरेक्टली दिया जाता है और उसका असर तुरंत चालू हो जाता है 10 मिनट के अंदर। 10 मिलीग्राम से लेकर 30 मिलीग्राम तक पेपेवरिन देते हैं इंजेक्टेबल, लिंग में इंजेक्शन देना, जैसा इंसुलिन का इंजेक्शन लेते ना वैसा, और उससे भी इरेक्शन काफ़ी अच्छा आता है। तो जिनको ये नहीं होना है, सर दर्द, हेड एक, बॉडी एक, बाकी हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उन्हें लोकल लिंग में लेना चाहिए पेपेरिन का इंजेक्शन, जिससे उनको अच्छा इरेक्शन आ सकता है। यदि आपको टाडलाफिल इरेक्शन, स्पॉन्टेनियस इरेक्शन या मॉर्निंग इरेक्शन के लिए लेना है तो लंबे असर तक लेना है, ताकि लंबे समय तक लेते हो और इरेक्शन स्पॉन्टेनियस आते जाते हैं तो वो जो उसका एक लड़के का इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि मुझे स्पॉन्टेनियस इरेक्शन नहीं आ रहे, लड़की को देख के इरेक्शन नहीं आ रहे, तो वो निकल जाता है। एक बार वो धमाका निकल गया, बाद में दवाई बंद कर दिया तो भी चलता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ होती है। यदि आपको इसमें साइड इफेक्ट रहता है तो तुरंत दवाई बंद करना चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।